उत्तराखंड के कई इलाकों में लगातार भारी बारिश और बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के कारण कई रास्ते बंद हो चुके हैं। यमुनोत्री हाईवे राड़ी टॉप पर भारी बर्फबारी होने के कारण बड़कोट आईटीआई के 7 छात्र बीच रास्ते में फंस गए। सड़कों के बंद होने के कारण आईटीआई के छात्र पैदल ही अपने घरों के लिए निकल पड़े। ये छात्र पोल गांव और राड़ी के बीच के जंगलों में भटक गए और बर्फबारी के बीच कहीं फंस गए। इस बात की सूचना मिलते ही आपदा प्रबंधक विभाग ने आधी रात को राड़ी टॉप के जंगलों में छात्रों को ढूंढना शुरू कर दिया। कड़ी कोशिशों के बाद भटके छात्र मिल गए। कड़ाके की ठंड में एक छात्र की हालत काफी बिगड़ गई। और इससे पहले भी गए थे सर हम इस रास्ते ना, तो सर पहुंचने को सर पहुंच गए थे सर हम राड़ी टॉप, पर लेकिन वहाँ जब उसकी कंडीशन खराब हो गई सर, तो फिर वहीं पे रुकने का वो हो गया सर। फिर हम नीचे को आ रहे थे सर, काफ़ी देर तक हमने नीचे भी लाया सर उसको, लेकिन वही है सर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा था सर। तो बाकी बच्चे भी थक गए थे, तो जिस कारण हम फिर रुक गए सर वहीं। हाँ, ये थाना कोतवाली बड़कोट से सूचना मिलने पर हम एसडीआरएफ की टीम जो है ये मोराल टू, वहाँ पर कुछ लोगों के फंसने की सूचना मिली थी, तो वहाँ पर गए। करीब 11-12 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हमने देखा कि वहाँ 7 लोग थे। वो 7 लोग बातचीत करने में पता चला कि आईटीआई के लोग थे, वो आईटीआई करने वाले थे बड़कोट में। तो उसमें से एक की हालत गंभीर थी, तो रात में ही हम चले थे वहाँ, तो काफ़ी गंभीर स्थिति थी। बर्फबारी भी हुई थी, बर्फबारी काफ़ी जंगल में, तो उस बर्फ में वो फंस गए थे। तो उनको फिर हमने अपने स्टेजर द्वारा पैदल रोड मार्ग द्वारा लाएगा, तो ज़्यादा सीरियस गंभीर था, उसको रोड मार्ग तक हमारे जवानों द्वारा लाएगा, और बाकी जो हल्के कोई घायल था वो बर्फ़ के दौरान, उनको भी हम सकुशल रोड साइड तक लाए, और फिर उसके बाद उनको हॉस्पिटलाइज किया गया बड़कोट में। एक की उसमें मौत कैसे हुई थी? वो ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा ठंड के हाइपोथर्मिया होने के कारण लग रहा था कि उसकी, हम बता नहीं सकते, काफी गंभीर स्थिति में देखा हमने वो। रेस्क्यू टीम ने छात्रों को किसी तरह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़कोट में भर्ती कराया। इस दौरान धोत्री के एक छात्र अनुज सोमवाल की उपचार के दौरान मौत हो गई। डॉक्टरों ने छात्र की मौत का कारण अधिक ठंड लगना बताया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए उत्तरकाशी से आशीष की रिपोर्ट।